मटर चिकन तैयार हुआ है, ये अभी इसको बुफे में सर्व किया जा रहा है ताकि कस्टमर के सामने पेश कर दिया जाए। ये देखें मटर चिकन, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ये आज की फर्स्ट है। और आपको पता है गुजरांवाला के खाने पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, लोग पसंद करते हैं गुजरांवाला के खानों। ये मटर चिकन तैयार हो रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने रेस्टोरेंट पर बना रहे हैं चिकन और मटर, मटर गोश्त, लेकिन गोश्त जो है हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज आपको उसकी तैयारी दिखाते हैं, मटर और चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी। मटर चिकन हम बना रहे हैं, ये टमाटर और प्याज को हम ग्राइंड करेंगे अभी। तो ये देखो ताज ने टमाटर प्याज ले लिया है, अभी इसको ग्राइंड करेंगे। और इसके लिए जो है मटर चिकन के लिए हमने जो टमाटर प्याज लिया है ये बॉयल है, इसको हमने जी ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद इसको इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें जी, ये हमारे मटर पड़े हुए हैं, ये सॉफ्ट किए हुए हैं, और चिकन जो है वो अभी वॉश हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं, ये हमारे रेस्टोरेंट पे आज पालक गोश्त, सॉरी आलू पालक तैयार किया गया है। ये हमारी एक डिश पहले से तैयार हो चुकी है, और ये अब हम तैयार करने लगे हैं जी मटर और चिकन। ये जी मटर चिकन जो हम तैयार कर रहे हैं, उसका जो चिकन है ये अभी वॉश कर लिया गया है, और इसको अभी हम कुकिंग जब स्टार्ट करेंगे तो ये चिकन जो है उसमें कढ़ाई में डालकर पकाया जाएगा। ये देखें, ये जी जो चिकन हमने यूज़ करना है मटर चिकन के लिए, उसको वॉश कर लिया गया है। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लीन किया गया है। और अभी इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान में शुरू करते हैं जी। ये ऑयल जो है ये कढ़ाई में डाल दिया साथ ने, ये देखें, और ये कुकिंग स्टार्ट कर दी गई है जी। मटर चिकन आज हम तैयार कर रहे हैं जी, मटर चिकन। और ये अभी साथ इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऐड हो गया जी। साथ में जो है अभी टमाटर और प्याज का जो मिक्सचर है वो भी ऐड किया जाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो इसमें डाल रहा है, इसकी भलाई साथ कर रहा है। ये आज हम तैयार कर रहे हैं जी मटर चिकन, मटर गोश्त लेकिन चिकन में। ये देखें, ये भी अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी बनाई हो रही है। ये जो साथ अभी इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने लगा है, ये ऐड हो गई जी ग्रीन चिली पेस्ट। मटर चिकन जो हमारा तैयार हो रहा है उसमें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद हबीबा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ये जी कमर्शियल रेसिपीज हैं, आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी साथ ने चिकन ऐड कर दिया है, मटर और चिकन जो आज हम तैयार कर रहे हैं, ये चिकन ऐड किया। ये देखिए जी, ये जी हमारे रेस्टोरेंट पर तैयार हो रहा है। हमारा रेस्टोरेंट सिद्दी आलम मलेशिया में वाक़ है, टेस्ट ऑफ लाहौर के नाम। ये देखें हमारे जो साद अली चीमा साहब हैं, ये गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, और ये गुजरांवाला के बड़े फेमस शेफ हैं। और आपको पता है गुजरांवाला के खाने पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, लोग पसंद करते हैं गुजरांवाला के खानों। ये मटर चिकन तैयार हो रहा है जी, अभी साद इसमें नमक ऐड करने लगा है जी। ये नमक ऐड हुआ, ये जी रेड चिली पाउडर ऐड हो रहा है जी, हल्दी पाउडर आएगा जी, अब ये हल्दी पाउडर आ गया। मटर चिकन, ये अभी इसकी चिकन की बनाई हो रही है जी। अभी सर इसमें और क्या चीज ऐड करनी है? अभी जो है प्याज और टमाटर की जो पेस्ट है वो ऐड किया जाएगा। ये देखें, ये अभी बनाए हैं हमने, ये ऐड कर दिया टमाटर और प्याज का पेस्ट। ये बड़ी इजी रेसिपी है, आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल। ये हमारे रेस्टोरेंट पे तैयार हो रहा है जी, कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग घर पर जरूर ट्राई करें। अभी जो मटर हमने सोक किए थे वाटर में वो अब ऐड किए जा रहे हैं। ये मटर ऐड हो गए जनाब, देखें जी कितनी आसानी के साथ ये खाना तैयार हो रहा है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये जी अभी इसकी पकाई शुरू हो गई है,
सर जी कितने देर तक ये रेडी हो जाएगा? ये जी 10 मिनट तक हमारा जो मटर चिकन है ये तैयार हो जाएगा जी। अभी देखें इसके पानी में उबाल आना शुरू हो गया, इसका पानी कुछ होगा, इसकी बनाई होगी और फिर ये तैयार हो जाएगा। ये देखें जी हमारा जो मटर चिकन आज जो तैयार हो रहा है हमारे रेस्टोरेंट पर, ये इसका पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, ये पानी कुछ हो रहा है जी, तो इसकी बनाई होगी। सर जी इसको बनाई करने के बाद इसको दम पे लगाया जाएगा? ये जी जब इसकी बनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम दम पर लगा देंगे तो और ये हमारा जो मटर चिकन है वो रेडी हो जाएगा। बड़ी आसानी से ये रेसिपी तैयार होती है, आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखें ये मटर चिकन, इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, यकीन करें मुझे बहुत ही ज़बरदस्त इसका लग रहा है। मेरा दिल करता है मैं अभी से इसको खाना शुरू करता हूँ, लेकिन अभी इसका हम इंतजार करेंगे, जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम इसको ट्राई करेंगे। मटर चिकन ये जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी जो है खुशबू आ रही है, मटर चिकन। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटर चिकन जो तैयार हो रहा है उसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और इसकी बनाई कंप्लीट हो गई है, तकरीबन ये आयल देखने छोड़ दिया इसने। अभी उस साथ इसमें पानी ऐड करेगा और इसको दम पे लगाया जाएगा। ये देखें मटर चिकन, ये अभी पानी ऐड करेंगे जिसमें मटर चिकन में और इसको फिर दम पे लगा दिया जाएगा। ये देखें इसकी बनाई जो है जी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ इसे पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए जी साथ में ये पानी ऐड किया, ये पानी भी जी हमारा फिल्टर वाला पानी है, ये देखिए ये फिल्टर होके आता है, साफ पानी है बिल्कुल, ये पीने वाला पानी है। ये देखिए जी पानी ऐड हुआ, अभी सर जी इसको कितनी देर तक का दम पे लगाना है? ये जी 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे और हमारा जो मटर चिकन है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए तो अभी साथ इसको भी दम पे लगाने लगा है। मैं जी आपसे जब इसका दम निकल इसका पूरा होता है तो मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ये दम कम्प्लीट हो गया, ये साथ अभी ऐड करने लगे हैं, ये ब्लैक पेपर पाउडर और ये गरम मसाला। ये हमारा जी मटर और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए इसने ऑयल अपना छोड़ दिया, ये ऑयल इसने छोड़ दिया जी और ये बहुत अच्छा इसका शोरबे वाला हमने बनाया है जी। शोरबा इतना ज़्यादा पतला नहीं है, एक नॉर्मल शोरबा रखा उसका आदमी इसका, और ये हमारा आज का मटर चिकन तैयार हो गया है। अभी उसका इसको बूफे में सर्व करेंगे और इसको हम कस्टमर के सामने पेश कर देंगे। ये देखिए मटर चिकन, हमारा रेडी हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसको बूफे में सर्व किया जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं ये बूफे में सर्व करते हुए। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटर चिकन तैयार हुआ है ये अभी इसको बूफे में सर्व किया जा रहा है ताकि कस्टमर के सामने पेश कर दिया जाए। ये देखें मटर चिकन अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ये आज की रेसिपी तैयार हो गई है मटर चिकन की, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए इसने ऑयल अपना छोड़ना शुरू छोड़ दिया है और ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अभी इसको गार्निश किया जाएगा जी अदरक सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और कस्टमर के लिए पेश कर दिया जाएगा। इसे गार्निश करो जी, सर ये अभी इसे गार्निश करेंगे जी, ये सेकंड शेफ हैं ये इसको गार्निश करेंगे, सर ये अभी अदरक, ये अदरक कटा हुआ अदरक है जी, सब्ज़ मिर्च और उसके बाद इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश किया जाएगा जी। सब्ज़ धनिया, ये सब्ज़ धनिया है जी, ये देखें जी ये सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दिया जी। देखिए जी माशाल्लाह जी ये हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, हमारी रेसिपी को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल कुकिंग विद हबीबा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जी मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ जी आपसे एक अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।